जाप सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव फिलहाल 32 साल पुराने एक मामले में जेल में बंद हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद पप्पू यादव को दरभंगा के DMCH में भर्ती कराया गया है, लेकिन पप्पू यादव के रिहाई की मांग देश भर से हो रही है। बिहार में उनकी पार्टी जनाधिकार पार्टी ने एक नई मुहिम शुरू की है। जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के रिहाई के लिए बिहार की जनता से अपील किया है कि पप्पू यादव के रिहाई के लिए एक नंबर जारी किया है जिस पर मिस कॉल करने की अपील की है। हम आपको वो नंबर दिखा रहे हैं, 9772268859। राजू दानवीर जो कि जनाधिकार पार्टी के नेता हैं, उन्होंने नंबर जारी किया है। पप्पू यादव के रिहाई के लिए पार्टी आगे प्रदर्शन भी करेगी। जब तक जाप सुप्रीमो रिहा नहीं होते हैं तब तक जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा जनाधिकार पार्टी का। क्या कुछ कह रहे हैं पार्टी के नेता राजू दानवीर, जरा आप सुनिए। जन अधिकार युवा परिषद एक मुहिम मिस कॉल फॉर पप्पू यादव शुरू कर रही है। सेवक आदरणीय पप्पू यादव जी के समर्थन में ये मिस कॉल नंबर रहेगा, 9772268859, 9772268859। ये मिस कॉल नंबर है, टोल फ्री नंबर है। इस पर सभी लोग आदरणीय पप्पू यादव जी के रिहाई के लिए उनके समर्थन में मिस कॉल करेंगे। और दूसरी हमारी जो मांग है कि जो एम्बुलेंस इस महामारी में जहां एम्बुलेंस की किल्लत थी, लोग एम्बुलेंस के बिना मर रहे थे और एम्बुलेंस को छिपा कर रखा गया, इसको लेके जो भी इसमें अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि संलिप्त हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। और जो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से वेंटिलेटर पर है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। राजीव प्रताप रूढ़ी जी को गिरफ्तार किया जाए और आदरणीय पप्पू यादव जी जो जन जन के सेवक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, उनको रिहा किया जाए। ये हमारी मांग है और इस मांग में साथ में मुख्यमंत्री जी से अपील है कि उनको जब तक जिस भी हॉस्पिटल में हैं उनकी सारी सुविधा सुख सुविधा का ध्यान में रखा जाए और उनको अविलंब रिहा किया जाए। हमारे सारे युवा परिषद बिहार की जनता सभी का मांग है और इसके लेके हमारे युवा परिषद के साथी भी कल शाम 5 बजे पूरे फेसबुक पर लाइव होंगे, हर सोशल मीडिया पर लाइव होंगे और उसमें रूढ़ी जी का गिरफ्तारी और उसमें जितने भी अधिकारी संलिप्त हैं उन सभी का गिरफ्तारी, स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी और आदरणीय पप्पू यादव जी की रिहाई का मांग करेंगे। और जो गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है इसको लेके भी आगे युवा परिषद द्वारा कल तो फेसबुक पर लाइव या सोशल मीडिया जितने भी है सभी पर लाइव रहेंगे और परसों से सुबह सुबह रिहाई के लिए आदरणीय पप्पू यादव जी के रिहाई के लिए प्रभात फेरी करेंगे हर गांव हर पंचायत में जन अधिकार युवा परिषद के साथ। तो जाप सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जनाधिकार पार्टी ने नई मुहिम छेड़ा है। पार्टी के नेता राजू दानवीर ने कहा है कि जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने बिहार की जनता से अपील किया है, देश की जनता से अपील किया है कि पप्पू यादव की रिहाई के लिए आप इन नंबरों पर मिस कॉल जरूर करें। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।